नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया मित्रं निरितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुःखं पापात् सुखं धर्मात् सर्वशास्त्रेषु संस्थितिः न कर्तव्यमत पापं कर्तव्यो धर्मसंचय। अनादि संसार में हमारा परिभ्रमण दो कारण में से कोई एक कारण से हो रहा है। या तो हमने धर्म नहीं किया, या तो हमने पाप बहुत जोर से किया। आप बताइए, दो में से यदि एक को सिलेक्ट करना है, इलेक्शन आ रहा है, किसी को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। दो में से यदि एक को सिलेक्ट करना है तो किसे करेंगे, पाप निवृत्ति या धर्म प्रवृत्ति? यानी कि हमने पाप की प्रवृत्ति बहुत की इसलिए भटक रहे, या धर्म नहीं किया इसलिए भटक रहे? आपके पास आंसर तो बहुत अच्छा है। लगता है कि भले व्याख्यान बहुत कम सुनते हो, लेकिन जो सुनते हो जी जान से सुनते हो। बराबर, एक बार सुनने के बाद उसे भूलते नहीं। सही बात। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आंसर सही दे दिया कि आपको पता है कि ये खाने से कैंसर होता है, पता चलने के बाद भी यदि कोई पान मसाला पान पराग तंबाकू खाता रहे तो आप उसे क्या कहोगे? मूर्ख। अब पाप की प्रवृत्ति से ही हमारा संसार बड़ा है, यह समझने के बाद भी जो पाप करता ही रहे उसे क्या कहेंगे? बड़ा महामूर्ख। माने आप एक दूसरे को कहते हो कि अपने आप को अपने आप को कहते हो, ये जबरदस्त बात है। अच्छा, हम यहाँ से बाहर निकलो और आपको कोई बोले ए मां मूर्ख, आप अकेले ही हो, पीछे से आवाज आई, आपने पहले देखा किसी और को कहता हुआ कोई नहीं है, वो आपकी ओर उंगली उठा करके कहता है ए मां मूर्ख, फिर क्या ऊपर किसको कहता है तू मामूर्ख, तू होगा तेरा बाप। शास्त्रकार हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज शास्त्रवार्ता समुच्चय के अंदर एक छोटी सी बात करके हमें यूटर्न दिलाते हैं। जब आपको पता ही है कि जीवन मैं पाप की प्रवृत्ति ने ही संसार बढ़ाया, तो मेरे जीवन में से न कर्तव्यम अतः पापम कर्तव्यो धर्म संचय। दो प्रकार होते हैं एक मकान बनाने में, गुंडेचा जब बना होगा तब तो आप नहीं होंगे, अब तो सीधा तैयार माल पे बैठे। लेकिन कोई भी बिल्डिंग बनता होगा तो दो बात जरूर बनेगी। नंबर एक क्या बनेगा, चलो बिल्डिंग को छोड़ो, मंदिर जब बनता है तो पहले क्या होता है, खनन विधि, उसके बाद क्या होता है, शिलान्यास। ओके, खनन में क्या करते हैं, नीचे से सब बाहर निकालते कचरा कूड़ा पत्थर, शिला में क्या करते हैं, अच्छी सी शिला को अंदर रखते हैं और तब जाकर के क्या बनता है। जीवन भी एक मंदिर,
मंदिर का यदि निर्माण करना है तो भी यही दो बात करनी पड़ेगी, नंबर एक खनन, नंबर दो शिलान्यास। खनन किसका करने का? इस भीतर में रहे हुए दोषों का खनन करना, और शिला कौन सी रखने की? गुणों की शिला का न्यास करना, तब जाकर एक जीवन मंदिर बनता है। मैं तो पहले गुणों की बात करूंगा, बाद में दोषों की बात करूंगा तो चलेगा? और वही हम कर रहे, हम पहले गुणों की बात करेंगे, दोषों बाद में। तपस्या करनी है, नवाणु करनी है, चौबीस अक्षर सात यात्रा करनी है, छरी पालते संघ में जाना है, ये सब क्या है? पाप की निवृत्ति है कि धर्म की प्रवृत्ति? धर्म की प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उसके पहले आपके जीवन में पाप की निवृत्ति है? तीर्थ यात्रा करने के लिए आप जा रहे हो तब सोचा कि आज से मैं नक्की करता हूँ कि अब मेरे जीवन में मैं कभी भी हिल स्टेशन पर नहीं जाऊं? एक और हिल स्टेशन भी जाना है, एक और तीर्थ की यात्रा भी करना, एक और छरी पालते संघ में भी जाना है, एक और गार्डन और ग्राउंड में भी घूमना है, बोलिए, चौबीस जड़ सात यात्रा भी करना है और क्रिकेट भी खेलना है। पूरे साउथ बंबई में सबसे ज्यादा क्रिकेट यदि फेमस है तो गुंडे चलते, ऐसा मैंने सुना है। दो साल पहले जब मैं आया था तब मैंने मेरी आंखों से भी देखा, मैं यहां नहीं ठहरा था। क्या है वो सामने? एक तो गर्मी के दिन थे और मैं बैठा था, मेरे दो साधु बैठे थे, अचानक 2:30 बजे फटाफट मेरे उपासर यानी कि कम्युनिटी हॉल के दरवाजे बारी खिड़की सब बंद, दोपहर समर और बंद। मैंने कहा अचानक ये क्या हुआ? ये हॉल में से जेल में डाल दिया लगता है। अंडमान निकोबार की जेल का पता है? सावरकर आया है ना अभी अभी, उस सावरकर को वहां रखा था, इतनी छोटी सी बारी थी, हमारे लिए तो वो भी नहीं थी। मैंने पूछा मेरे साधु को, ये अचानक बंद किसने कर दिया? तूने किया? नहीं मैंने नहीं किया। तो दूसरे को पूछा, तूने? नहीं मैंने नहीं किया। ये किसने बंद कर दिया? पता नहीं अचानक बंद हो गया। तो हम जब खोलने गए, थोड़ी सी ठंडी हवा, लेकिन बाहर जो देखा तो मेरे साधु ने वापस बंद कर दिया। गुरुदेव अभी नहीं खोला जाए। मैंने कहा क्यों? गर्मी हो रही है, हम पंखा नहीं यूज करते हैं, तो इतना तो खोलो। नहीं गुरुदेव अभी नहीं खोला जाता, क्योंकि प्रैक्टिस चलती है। और दूसरे दिन ही मैंने विहार कर दिया। जब मंदिर गया, भगवान शंखेश्वर के सामने खड़ा था, तो 3-4 महिलाएं आई, मारे सब आशीर्वाद दो, आज फाइनल। आपको हंसी आती है, हमें रोना आता है। क्या मर्यादा थी एक समय हमारे राजस्थान की? इस पहाड़ के ऊपर बैठ करके हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के राजस्थान मरुधर मारवाड़ की मर्यादा की जो प्रशंसा की है, आज वो जवाब नहीं चलता। सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, सारी साउथ बॉम्बे की यह हालत है। मेरी बात यह है कि वर्षितप करना वो धर्म की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति तब ही अनुकरणीय होगी जिस दिन आपका पालना होगा। और आप अभिग्रह करेंगे आज से, होटल का त्याग, रेस्टोरा का त्याग, फाइव स्टार का त्याग, और जोमेटो स्विगी फूड पांडा उबेर ईट्स हैंगओवर त्याग।
तब जाकर आपका वर्षी तब का बखान 108 नहीं 1008 दे दो। क्यों भगवान को प्रदक्षिणा देने की? कोई लॉलीपॉप रखिए, आज 108 लोग दे रहे हैं, कोई लॉलीपॉप है उसमें कि जो आज 108 देगा उसको बहुमान होगा? हाँ होगा, वही लॉलीपॉप। छोटे बच्चे को थोड़ी होती है, सबको होती है। बहुमान उसका करो कि जो वर्षी तप करने के बाद यावत जीव रात्रि भोजन का त्याग करे, बहुमान उसका होना चाहिए। ये धर्म की प्रवृत्ति है, वो पाप की निवृत्ति है। संसार बड़ा है धर्म नहीं करने से नहीं, पाप ज्यादा करने से। और आपसे यदि पूछा जाए घर जाकर के दो काम करो, एक जितने पाप के साधन है उसे बाहर निकालो, नंबर दो जो नीड के है उसे अलग करो और जो ग्रीड के है उसे अलग करो। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नीड एंड ग्रीड? नीड एन डबल ईडी, नीड माने क्या? आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी। जी आर डबल ईडी ग्रीड माने क्या? भौतिक सामग्री, लालच यानी कि लोभ से जो बसाया। कभी सेल का पाठिया लगा और हम दौड़ के गए, दो साड़ी चाहिए चार उठाओ, एक ड्रेस चाहिए तीन उठाओ, क्योंकि 50% डिस्काउंट। ये नीड है कि ग्रीड है? जरा पूछो इनसे। दिवाली के दिन सफाई होती है ना, आप लोगों को भी झूठना पड़ता है क्योंकि कोरोना से लॉकडाउन से आप लोगों ने सब सीख लिया है। भांडी घासायच, कपड़े धुआचे आणि झाडू मारायचे सगळं शिकलं। कारण की धोंडू येत नव्हता, पांडू येत नव्हता, गंगाबाई येत नव्हती, जनाबाई येत नव्हती, तेव्हा कोण होत धोंडू पांडू घरात? आपण म्हणजे तुम्ही, मला कशाला आपण म्हणता? तुम्ही स्वतः। दिवाळी के दिन ये लोग जब कपाट खुला करते तब नक्की करते कि आज तो जो नहीं उपयोगी है उसे बाहर निकालें। करते उनका वार्डरोब जब भरा हुआ, ऐसे दरवाजा खुलता है ना, चार साड़ी बाहर आ रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो इस जेल में से, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, ये मेरी सेठानी दबा दबा के अंदर भर रही है। बिल्कुल आंधा बांधी जेल, जेल में जगह नहीं थी और कैदी बढ़ते रहे। अब ये लोग दिवाली के दिन जब छूटा करते हैं, इसको मैं कहता हूं पड़ी ले, पड़ी लेन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो मुझे वर्षी तप के पालना में काम नहीं, फिर घड़ी ले वापस आते हैं, एक एक को बाहर निकालते हैं, वापस एक एक को घड़ी करके एक माल बाहर निकलते। सिर्फ इतना नियम दे दो, एक नया ड्रेस नई साड़ी लाओ, यानी आपकी भी बात कर रहा हूँ, नए कपड़े की जोड़ लाओ, एक जूना बैलेंस रहेगा कि नहीं? बॉडी का बैलेंस सोचते हो, बढ़ गया तो 108 प्रदक्षिणा दे दो। सुबह तो मैं यूं ही समझा कि ये वॉक की जगह प्रदक्षिणा दे। बॉडी का बैलेंस, कपड़े का बैलेंस नहीं, रुपये का बैलेंस नहीं, बोलिए। नीड तक बराबर है, जब ग्रीड में आप आगे बढ़ते हो तब संसार को आगे बढ़ाते। आनंद की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में वर्षी तक, इतनी बड़ी संख्या में आराधक, बहुत सुंदर आराधना। 9:30 तक तो ऐसा लगता था कि मंगलिक सुना के सर्वमंगल कर देंगे, लेकिन साध्वी जी महाराज ने जरा हौसला दिया, साहेब
આ મારવાડીઓ છે, અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ નહીં ચાલે, અહીંયા ઇન્ડિયન ટાઈમ ચાલે. 9:30 કહેશો તો 9:45 તમને ભરાઈ જશે. ભરાઈ જશે. ક્યાં કરના હૈ? अब कौन सी बात करो? और धर्म बढ़े उसकी बात करो कि जीवन में से पाप घटे इसकी बात करो? पहले आप पाप घटना चाहिए, पाप घटेगा. सामने गुलाब जामुन है लेकिन जवान में टेस्ट नहीं है, वाह. जब भी ट्रेन आएगी तभी मेरा एक क्वेश्चन आएगा. कोई भी महाराज साहब आवे तो उनको ये सिस्टम सिखा रहा, तुम्हारा भी काम हो जाए, उसका भी हो जाए, मेरा भी. सामने गुलाब जामुन है, मुंह में टेस्ट नहीं है, वाह. टेस्ट पैदा करना पड़ेगा. अरे टेस्ट नहीं है वो, क्यों नहीं है वो पूछ रहा हूं. पैदा करने का ये क्या, बच्चा है कि पैदा हो जाए? बीमार. कौन सी बीमार? अभी कोरोना नहीं है, ये कोरोना का टेस्ट अभी याद कर रहे हैं, अभी की बात कर रहा. आइए आगे आइए, बस आप बराबर है, जाजम से बाहर मत आइए, वहां बराबर. बहुत आगे आ जाओगे तो फिर यही जवाब है और वो आपके लिए दे रहे हैं. आइए दबा के बैठिए. सामने गुलाब जामुन है, आपकी फेवरेट आइटम है, लेकिन मुंह में टेस्ट नहीं है, क्यों? शुगर की बीमारी तो सबको नहीं, और शुगर की बीमारी वाले को भी गुलाब जामुन देखने के बाद टेस्ट तो आता है. वो 2 गुलाब जामुन लेगा और 4 इंजेक्शन लेगा, इंसुलिन लगा देगा सुबह दोपहर शाम. मेरा प्रश्न अलग है, न उससे शुगर है, न उससे थायराइड है, न उससे कोलेस्ट्रॉल है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो भी सामने जामुन है लेकिन मुंह में टेस्ट नहीं. वो हंसरत्न सूरी जैसा 6 महीने का तपस्वी होगा, तो वो वर्षी तप करने वाले गुंदेचा के श्रावक होंगे कि जिन्हें आज उपवास है, इसलिए सामने गुलाब जामुन है तो भी मुंह में से टेस्ट नहीं आएगा. નહીં મારા સાથે એરો તો નહીં હે, મારે ઉપવાસ હોય તો હમે જો ફેવરિટ ડીશ આવે તો ટેસ્ટ તો આવીશ કે મુંહમાંથી પોણી તો નીકળે નહીં નીકળતું. વાહ, બડી ભૂમિકા ઉચ્ચ પ્રાપ્ત કરી લી આપણે. વો વર્ષી તપ કા તપસ્વી નહીં હૈ, કોઈ શરીર મેં બીમારી નહીં હૈ, તો ભી સામને ગુલાબ જામુ ઓર મુંહમે ટેસ્ટ નહીં. મુજે લગતા હૈ कि ये SSC, CBSE, ICSE का बोर्ड का एग्जाम का प्रश्न लगता है, इतना सन्नाटा है. गाड़ी भी चुप, आप भी चुप. आइए आंसर दीजिए, ऐसा क्यों? जल्दी देखो गाड़ियां, सोच लो. टेंशन, टेंशन में तो 3 बार 4 बार आने दे. चाय कुआ, चाय कुआ, उपमा बनाओ, कुआ बनाओ, टेंशन में तो डबल खाए. आपने कभी टेंशन आयु नहीं ला. का थ्रू होचे रिया कई क्यों क्या हुआ रहेगा? क्या हुआ रहेगा? जामुन का, चलो गुलाब जामुन की जगह दूसरी रस मलाई, बस उसका त्याग. उसकी जो भी फेवरेट आइटम हो वो बोलो. चलो जरूरी नहीं है गुलाब जामुन ही आपको लगता होगा हमारा साहब का फेवरेट है, मेरा भी क्या है, गुलाब जामुन मेरा ही बंद है, पेट भरा हुआ होगा. हाँ, क्या बात है, चलो पेट खाली है. कही क्यों? मुंह खाली है एकदम, सप्पा साफ, मुंह में कोई नहीं है.
आपको तो आंसर दो, आप प्रो अनुभव है, जब पेट साफ नहीं होता कब्जी होती है तब भूख होती है, सामने आइटम भी अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं है। पेट साफ होने के बाद गुलाब जामुन को छोड़ो सूखी रोटी भी दे दो तो भी मुंह में से क्या निकलेगा, टेस्ट। जवान में टेस्ट है कि गुलाब जामुन में टेस्ट है, जवान। और जवान का टेस्ट किसके ऊपर, पेट के ऊपर। पेट साफ सब दर्द माफ, पेट बराबर जीभ बराबर। तो मेरा ये कहना है कि जब तक मल भरा हुआ है पेट के अंदर तब तक सामने कितनी भी अच्छी आइटम रहेगी तो भी टेस्ट नहीं आएगा, मल साफ हो जाएगा। एक सूखी रोटी भी आपको टेस्ट दे सकती है। पाप मल की जगह पर है और धर्म टेस्ट की जगह पर। जीवन में जब तक पाप चालू है तब तक धर्म से जो आनंद आना चाहिए मिलना चाहिए वो नहीं। फिर आप फरियाद करते हो महाराज साहब हम इतना धर्म करते हैं आनंद क्यों नहीं आता है, आप ही सोचो। बहुत बड़ी बात लिख दी आवश्यक निरुक्ति की टीका के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने, पापा प्रवृत्ति धर्म प्रवृत्ति गुरु संसार कारण। पाप की निवृत्ति किए बिना धर्म की प्रवृत्ति चाहे इतना फल नहीं दे सकती। अब पाप घटाना ही है महाराज, हम संसार में बैठे हैं तो कैसे पाप को छोड़ करके ओके आप यहाँ पर आओ तो अच्छा है, यहाँ ना आ सको तो वहां पर रह करके आपको चार काम करना पड़ेगा। नंबर एक, पाप को घटाना है हटाना है तो पाप के मटेरियल कम करो। मटेरियल यानी साधन, घर के अंदर जितने भी पाप के मटेरियल हैं उन्हें कम करो, यानी पाप के भी दो प्रकार अभी मैंने बताए, नीड और ग्रीड। नीड को छोड़ दो, नीड गैस के बिना आपके घर में रोटी नहीं पकेगी तो गैस चलो एक बार नीड में जाएगा, लेकिन शॉवर के बिना आप स्नान अच्छी तरह से कर सकते हो तो शॉवर किस में आएगा, ग्रीड में। बाथटब किस में आएगा, नहीं होगा ना आपके घर में। आओ घर पे थोड़ा किचन वास्ते नहीं थोड़ा बाथरूम वास्ते आओ। पच्चीस साल पहले मैं जब वाल्केश्वर में चौमासा था, हम दोनों भाई महाराज का सुबह की गुजरी बहनने को मैं गया एक अपार्टमेंट में। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने दरवाजा खुला था, मैंने सोचा यही किचन होगा, सीधा मैं अंदर गया धर्मलाभ और वो किचन नहीं था, बड़ा बाथरूम। मुझे लगा कि पूरा घर एक साथ बाथरूम के अंदर स्नान करता हूँ, एक आदमी को कितनी जगह चाहिए बाथरूम, कितनी। धारावी की झोपड़पट्टी में पांच लोग जिसमें रहते हैं उससे बड़ा आपका बाथरूम। नीड है कि ग्रीड है, बोलो। मुझे पता है कि आप सिर्फ सुनने वाले हो, घर जाकर इतना भी काम नहीं करने वाले कि मेरे घर में नीड क्या है ग्रीड क्या है सोचने वाले हो, कुछ आप बोलते भले और हम सुनते। आज सुना है तो कल काम आएगा, इसलिए मैं चार बात आपको बताना चाहता हूं। नंबर वन, पाप के मटेरियल कम करो, जिसकी जरूरत नहीं है क्यों बढ़ाते। फैशन,
3 करोड़ का फ्लैट होगा तो उसमें 1.25 करोड़ का फर्नीचर तो जरूरी, नहीं तो लोग कंजूस कहेंगे। बेडरूम भले 4-4 BHK है लेकिन जरूरी है कि सब में बेड लगाना, क्योंकि घर में मेंबर 3 है और बेडरूम 4 है। किसके लिए है? मेमोन। मेमोन आवे रही है कभी? वो तो क्यों कोई पोमड़ा आवे हमें तो घरे, सगो भाई नहीं आओ तो विदाउट फोन आज घर में हो क्यों मरा हूं, फोन करना पड़ता। प्लानिंग के साथ तुम्हारे घर कोई मेहमान आवे उसमें ज्यादा आनंद कि विदाउट प्लानिंग कोई घर पे आ जाए उसमें आनंद? विदाउट, अभी नहीं पहले। अभी तो ऐसा लगता है क्यों टपक पड़ा उसको टपका दो रवाना कर दो। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नयनों में नहीं तस घर कब उन जाइए भले कंचन वर्षे में। जिसकी जरूरत ही नहीं है उसे हम बढ़ाते ही जाते। एवरी बेडरूम में एक टीवी, जितनी जेब है उतने फोन, और बोलिए हर 6 महीने स्पेक्स बदलते हैं, हर 12 महीने स्मार्ट वॉच बदलते हैं, हर 12 महीने अदिदास में से कालिदास, कालिदास में से कोई नाइकी, हमारे शूज बदलते रहते हैं, हमारे कपड़े बदलते रहते हैं, हमारी हर चीज बदलते हैं। और हमारे साधु साध्वी को देखिए, आपने कपड़ा वेरा है जब तक फटेगा नहीं ना तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, सिलाई करके भी चलेंगे क्यों? अरे ये लोग कितना पसीना निकाल के हमें वेराते हैं। बाकी मैं ऐसा यदि अभिग्रह ले लूं एक कपड़ा मैं दूसरे दिन नहीं पहनूंगा, 360 दिन रोज का नया कपड़ा, तो ये हमारी साध्वी मुझे कहेगी 1 साल के लिए क्यों 10 साल का हमने माल तैयार कर दिया। इतना कपड़ा आप बिराओगे कि नहीं बिराओगे? आप पूछने वाले हो कि हमारे साथ मेंबर तो 5 हो, कपड़ा 5 साल के क्यों ले रहे हो? कोई भी पूछने वाले है? नहीं। मैं चाहूँ तो रोज का एक कपड़ा, साली भद्र का बेटा होता है ना, हम तो साली भद्र के बाप बन सकते हैं। लेकिन एक एक साधु जो जो चीज मिलती है, ये बूढ़े महाराज के हाथ से एक पात्रा नीचे गिर जाता है ना तो उनके गुरु महाराज उनको सुनाते, क्यों भाई मुफ्त में मिलते हैं? हमें दंड मिलता था, एक पात्रा गिर जाए एक उपवास, एक घड़ा फूट जाए 3 उपवास, एक छोटी सी जो चम्मच होती है ना वो टूट जाए 1 IMB, ऐसा दंड हमारे गुरु हमको देते थे क्योंकि उनको पता था एक बार दंड मिलेगा तो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। पाप की निवृत्ति तो सिर्फ हमें ही जरूरत है ना, आपका तो मोक्ष होने वाला है, आपने तो वर्षी तब कर लिया, 108 प्रदक्षिणा दे दी, छरीपाल के संग में जाके आए, 3 उपदान कर लिए, आपने 1 चौमासा कर लिया, आपकी 99 हो गई, आप रे 24/7 यात्रा, आपका तो 3rd bhav में मोक्ष, सारा संसार तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। अपने मारवाड़ में पहला युग कहता जटे जन्म लीदो वटे थी, राम बोलो भाई जय जय नंदा वे तो अच्छु है वा नीव है, तो जन घर में जन्म ली दो वणिस घर में थी अर्थी निकलती। बोलो अटे जत्रा बेटा है उन्होंने पूछू जन्म अटे वो है भाव से अन्ना जन्म पिला तो मोरो जन्म हुआ, मारा जन्म हुआ थी तो गुंडे चारो जन्म हुआ भाई, अरे अनमे जो जन्म है वो तो अटे कोई है इसको नहीं, मैं तो हुतोड़ा है नहीं तो कॉलेज में गियोड़ा है, स्कूल में गियोड़ा है,
जवाब दीजिए। अब नियम दे दूं कि बाबू सी हमें जो आपने क्यों गुंडे चमे थी मैं कभी बारे नहीं निकली। कड़े गया मो दिलीप जी गुंडे चमिश है बाबू सी लोड़ा में फर्नीचर रुकाम हाले जी घोटे जानो है आपने ये तो बासा नहीं बासा ने तो लूणा वा भेजवा दे रहा है हाथ रस्ते थी कटे फरता फरता हाथ घर बदल गया बिलाड़ी बन बिल्ली वन्या वस्ती यू केवी जी हाथ घर बदले ओपे बिल्ली रे कूल में दिया या लावे पुटला जन्म में ओपे बिल्ली था बिल्ली एक नई बिल्डिंग बनती है ये घर चूना हो गया फिर क्या कहने का मालूम है हम कहेंगे अरे यार मस्त उपास रहे क्या भव्य मंदिर है गुरु महाराज का आना जाना पहले दूसरे तीसरे माल तक तो आपका घर है हैं बाव से मोरे तो जावारी इच्छा नहीं है एक्सक्यूज हम कई के विजय एक्सक्यूज बहाना इसकी टोपी मोरे तो जावार इच्छा नहीं पर कोई है हमें नवा जमाना री सॉरी अटे नहीं आवे तो कटे आवे होमे माले आवे वोटे थे सुसाइड करवार इजी रे पचास साठ सत्तर साल की जिंदगी मिली इस जिंदगी में यदि अर्जन करना है तो धर्म का ही अर्जन करना चाहिए। हम हमारी फैशन हम हमारे व्यसन हम हमारे स्टेटस इसी को ही देख रहे हैं। इतने पैसे हुए यहाँ लगा दूंगा तो पैसे भी लग जाएंगे और मेरा घर का घर हो जाएगा एक में से दूसरा दूसरे में से तीसरा एक पाप में से दूसरा पाप दूसरे पाप में से तीसरा पाप क्या कर रहे हो आप? आपको लगता होगा कि मैं पैसे को सही जगह पर रोक रहा हूं अब पैसे को नहीं आपके संसार को आप लगा रहे जब से पैसे बढ़े सच बताना आपका धर्म बढ़ा कि संसार संसार यानी पाप पाप के साधन गुंडेचा वाले याच इतना नक्की कर दे कि हरिभद्र सूरी महाराज ने कहा है तुम्हारी इनकम के चार भाग करो उसमें से एक भाग तुम्हारे धंधे में लगाओ दूसरा भाग तुम्हारे होम मिनिस्टर को दे दो तीसरा भाग सेविंग में लगा दो और चौथा भाग श्री संघ के अंदर जमा कर दो। सच बताओ संघ के अंदर हर श्रावक अपने 25% लगा दे एक एक चौमासा कैसा होगा? बंबई में कहीं पे ना हो ऐसा चौमासा गुंडेचा में हो सकता है कि नहीं? आज गुंडेचा वाले को घूमना पड़ता है बावसी चौमासा दो बावसी चौमासा दो। मैंने जो स्कीम बताई वो यदि आप चालू कर दो तो मुझे भी यदि चौमासा करना होगा है बावसी 20 साल तक तो बुकिंग है हमें 21 में आकरू नौम लगू अभी आप कतार में खड़े हो कृपया प्रतीक्षा हो सकता है कि एक वर्षी तक के लिए 1 करोड़ रुपए हम इकट्ठे कर सकते हैं। एक गुरु महाराज आवे और उनकी निश्रा में कोई अच्छा चातुर्मास कराना है बाव से गणों खर्चो होगी पाप का मटेरियल बढ़ाना है और धर्म का मटेरियल घटाना। घर में एक कटाशना ज्यादा बढ़ गया दिवाली के दिन कहां पर जमा होगा? सारे टूटे फूटे सापड़े कहां पर आएंगे? जितनी भी एक्स्ट्रा बुक रहेगी आपके घर में किसी ने दी होगी वो कहां पर जाएगी? मंदिर में, मंदिर तो ये मंदिर है कि क्या बोलते हैं कबाड़ खाना क्या बना देते? कह दो आप कि महाराज साहब हमें पाप के मटेरियल बढ़ाने में ही इंटरेस्ट है आप हमारे आगे ज्यादा प्रवचन मत करो हमें धर्म का मटेरियल चाहिए ही नहीं। तुम्हारे घर में एंट्री मारू सामने
यदि वॉल के ऊपर फोटो है, किसका फोटो? भक्ति पार्श्वनाथ लुनाओ में किया भगवान ने शांति ना आदिश्वर। वाह, बोलो कौन से भगवान? घर के अंदर मैं एंट्री मारूं और सामने जहां पर टीवी लगाया है उसी के ऊपर यदि फोटो रखना है, कौन सा फोटो? बावसी कटे राखो, बावसी बोले तो भगवान। मैं बावसी वो खूना में आर्यो में के बस आर्या में माय घालो वन में पास हो यू दरवाजो लगाओ एकदम नेचुरल थोड़े कोई भेजियो पर्दो भेजियो। वाह, भगवान को कॉर्नर पे और तुम्हारा टीवी सेंटर में, यानी कि धर्म कॉर्नर में और पाप सेंटर में, तो लिखिए सदगति आपकी कॉर्नर में चली जाएगी और दुर्गति सेंटर में आ जाएगी। घर में फोटो लगा दे हैप्पी एनिवर्सरी, बाउसी हारो देखी हो तो थो घरे आवो तो ठा तो पड़े के नहीं पड़े? कतरी नीसू राखवार इच्छा में तो कटे तो नजर पड़े के नहीं पड़े? सिर्फ बोलना है देव गुरु पसार, कहां पे देव और कहां पे गुरु है वो तो बताओ, कहां? मोबाइल के फ्रंट पेज पर किसका फोटो? घर वाले, बच्चे का, बेटा, पोता, पर पोता। और डीपी में कौन होता है बताओ तो सही? वर्षी तप करने वाले कहीं पे तो आदिश्वर भगवान बताओ मुझे, कम से कम 400 दिन तो मेरे हर जगह पर आदिनाथ 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 400 दिन के लिए तुम्हारे घर की वॉल के ऊपर आदिनाथ का फोटो नहीं लगा सकते थे? जो सेंटर में है, जिन्हें सेंटर में रखना है, हर जगह पाप का मटेरियल है, धर्म कहीं पे नहीं। तुम खुद जैन हो बराबर, राजस्थानियों की तो एक विशेष आदत रहती है, वो बोलेगा अपना नाम साथ में जैन बोलेगा बराबर। वे गेमावत में राणावत में वो हैंग बहुत ही आवे सीधो नीलेश जैन, विनीत जैन, हमारा बच्चा भी जैन लगावे तो घर नेम प्लेट में जैन है और तो प्लेट में जैन है ठापड़ियों पर नेम प्लेट में जैन लक्योड़ हुए वह भारी ने बावसी माँ आवे वाती तो प्लेट में भारे तो प्लेट में जैन है। एक जमाना था, हमने सूरत में जब चौमासा किया तो गोपीपुरा गए थे, सुना है गोपीपुरा? गोपीपुरा में जब हमारा प्रवेश हुआ तो वहां के एक श्रावक ने कहा कि महाराज साहब एक जमाना था कि गोपीपुरा में जो हिंदू लोग रहते थे, स्वामी नारायण के लोग रहते थे, तो लारी वाला को भी पता था कि यहाँ पे मेजोरिटी जैनों की है, तो वो भी आलू प्याज वगैरह गोपीपुरा की गली में नहीं लाता था, गली के कोने पे खड़ा रहता, जिसको चाहिए वो जाते थे लेने को, वो भी प्लास्टिक की पिशवी लेकर के नहीं, किसकी थैली? कपड़े की थैली जो ट्रांसपेरेंट ना हो। क्यों? क्योंकि जैनों को पता चलेगा, वो देखेंगे तो भी उनको क्या होगा, हर्ट होगा, उसको हर्ट ना हो इसलिए वो कपड़े की थैली में लाते थे। अब हम खुद लाते हैं प्लास्टिक की पिशवी में,
कभी लगता है कि तुम्हारे से वो अक्षय कुमार अच्छा है? कल आया था मैंने जब पूछा, नहीं वो बॉलीवुड का है कि फिल्म इंडस्ट्री का है कि वो एक्शन हीरो है कॉमेडी हीरो है, उससे कुछ लेना देना नहीं था। मैं उसके ऊपर इसलिए फिदा हूं। मैंने जब कहा कि आप आए ही हो तो आज महाराज साहब का 180 उपवास पूरे होते हैं, अब अपने जीवन के लिए कुछ तो तरक्की करो। आपको सुना है कि सेहत के लिए आप 6:30 के बाद भोजन नहीं लेते हो, रात को नहीं खाते हो, आज एक स्टेप ऊपर चढ़िए। अब सुनना, ये दो बात तो हमारे बीच ही हुई थी, आपको तो सुनाई नहीं देता था, भले ना आप टीवी में देखते थे, लेकिन हम जो दोनों बात कर रहे थे वो आपको सुनाई देती, बस वो राज मैं आपको कहता हूं। अब नसीबदार हूं, मैं अंदर जाकर सोने की तैयारी कर रहा था। पहले गुरु महाराज ने बताया कि मैं करता हूं, तू अंदर बैठ, कल तू करना। अचानक प्रोग्राम बदल गया, कल बड़ा परमात्मा आदिश्वर दादा का 2 कल्याणक च्यवन और सॉरी जन्म और दीक्षा, तो उन्होंने कहा चलो मौके पे चौका मार दो। वैसे भी गुंडेचा वाले इतने नसीबदार है, गुरु जी कहते हैं कि तू क्या गुरु को मिलने जावे, गुरु ही तुझे। बाउसी तो चौमासु की दे मैं नहीं आई की अच्छा जो को वर्णन था खूब जोरदार सर जोरदार अच्छा नहीं जोरदार जोरदार हां जोर ऐतिहासिक ऐतिहासिक कद्दी कटे आवारी जब तक हां ओके हमें अनोरो कराओ हमें मैं एकला नहीं आओ मैं बे ही आओ आवे डबल ऐतिहासिक हां डबल ऐतिहासिक। हम तो जाने वाले थे कल सुपार्श्वनाथ, लेकिन 3 दिन से भरचक थकान लगी और हम आए थे हमारे भांजी महाराज के साथ पूछने, हम खुद ही थक गए। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, वैसे दुनिया में उल्टा होता है, मामा के घर भांजी आती है, आज भांजी के घर मामा आ गया। मैंने उनसे जब बात की, अब सुनना, क्या इस आदमी उसे वैसे देखने जाओ तो पूरे दिन वो कोई धर्म करता है अपना जैन धर्म? उसने कहा, मैंने जब कहा पहली बार में जब उसकी मुलाकात हुई तब मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आप हिंदू संस्कृति के बहुत चाहक हो, अनुयायी हो, अनुकरण। तब उन्होंने कहा महाराज साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तो जैन हूं। पहले धड़ाके में उसने मुझे कहा हिंदू की कहा आई एम जैन, मैं तो जैन हूं, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि जैन रात को नहीं खाते, तो मैं भी नहीं खाता, इसलिए मैं जैन। और मैंने कल खुल्ला भी कर दिया उन्हीं के सामने, कौन कौन रात को नहीं खाता है, कितने लोग उठे कितने लोग बैठे, वो देख करके अक्षय जी को अंदर क्या हुआ महसूस हुआ, वो अब उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा आज कोई एक स्टेप आगे बढ़ो, इतना बढ़िया लाभ मिला, आप देखना जो रोज अपनी फिल्म के अंदर शूटिंग के अंदर व्यस्त रहता है वो कहाँ जैन धर्म को पढ़ने वाला है कि उनके ऊपर सोचने वाला है। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा महाराज साहब पहले तो सोचा, और अंदर मैं भी सोच रहा था इनको क्या दूं, और मैंने ही बोल दिया आपको तो कोई व्यसन होगा ही नहीं, इसलिए व्यसन की तो बात मुझे करनी ही नहीं, गुंदेचा में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि जितने दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी ने वर्षी तब किए हैं, तो उस बेटे को कहना पड़ेगा कि बेटा 400 दिन मत लेना, माँ वर्षी तब करती है तो गर्म पानी का माटला रहता है घर में, और बेटा रात को सोने के पहले बाटला निकालता है। आओ घर पे खोलू फ्रिज को निकालू बाटला, मौसी मो गुंदे चा मेरन मार से, ये तो कॉमन है, अब तो लड़कियां भी पीती है, हुक्का तो चालू हो चुका है। मैंने जब कहा तो उन्होंने मुझे सामने से पूछा अक्षय जी ने कि महाराज साहब
वो जैन धर्म में, अपने जैन धर्म में वो 8 दिन जो आते हैं, वाह क्या आते हैं 8 दिन। मैंने कहा हाँ पर्युषण। तो उन्होंने पूछा कब आते, नवरात्रि में आते। मैंने कहा नहीं, उसके 1 महीने पहले, अगस्त सितंबर। अपना इंग्लिश मार्क महीना तो फिक्स नहीं होता है, और उन्हें श्रावण भादरवा में तो पता नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलता, आपके बेटी को पता नहीं चलता, तो उसको कहाँ से चलेगा। मैंने कहा अगस्त सितंबर में आता है। बस उस 8 दिन सुबह कुछ करूँगा। मैंने कहा नौकारशी करने की। बोले नौकारशी बोले तो सूर्योदय के बाद आफ्टर 48 मिनट्स ब्रेकफास्ट उन्होंने तहत्ती कर दी। फिर तो बड़े बड़े हमारे सब गुरु महाराज जब मुझे उपाश्रय में मिले, ओ माँ बोधि महाराज तुम तो पार्ला में ही चौमासा हो, वो जू में है पजूषण में, रोज नौकारशी का पचकड़ आपके पास ही लेने आएगा। मैंने कहा मुझे याद कराने के लिए जाना पड़ेगा कि अक्षय जी उठो नौकारशी का पचकड़ लो। पाप के मटेरियल बढ़ाना है, पाप की प्लेस बढ़ानी है, पाप का टाइम बढ़ाना है और पाप का इंटरेस्ट बढ़ाना है। फिर कहना है मारे 7-8 भूमा मोक्ष में जाओ मिलेगा। पाप का मटेरियल कम करो, कम से कम घर जाकर इतना तो तय करो कितना जरूरी है कितना बिंदु है। मैं गारंटी के साथ, अभी मोदी की गारंटी चलती है ना, माँ मोदी की गारंटी ले लो कि 40% आपके घर में नीड होगा, 60% ग्रीड होगा कि नहीं होगा। शायद उल्टा हो सकता है कि 30 नीड 70 ग्रीड, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 60 तो ग्रीड होगा होगा। एक लड़का मुझे मिला था, हमारा से घर छोटा पड़ रहा है इसलिए अब नया ढूंढते हैं। मैंने कहा नया क्यों ढूंढता है, इस घर को मैं बड़ा कर दूं। क्या बात कर रहे हैं, वो बेचारा भोला था, उसको लगा कि महाराज साहब के पास कोई जादू है। उसने कहा कि तो घर पधारो। मैंने कहा चलो, और नसीब से घर वाली पूजा करने को गई, मैं और वो दोनों ही। उसने कहा कि चलो अब आप जादू चालू करो। मैंने कहा मेरे जादू में मैं जो कहूँ वो आपको करना, अरे आप जो कहोगे वो। मैंने पूछा कि ये 3 सोफा की कोई जरूरत है, कोई मेहमान पोमड़ा तो बीजा कोई आवता कौन नहीं, तो भी एक रखो बेने हटाओ वे बे ही बारे काटिया। मैं क्यों चेयर कतरी पड़ी है, एक चेयर काफी है, बाकी री चेयर बारे लो। यू करता करता हैंग बारे कबाड़ खानो भेड़ो की दो अतरा में वाह पूजा करी ने माया। मैं वड़े देखी हो वहाँ घर में कई हाले रही है, वड़े में मने देखी तो वाह बिचारी उबी रहेगी बाउसी धर्म ना वाह वड़न पूछियो के कई करे रिया। अब वो घर मोटू कर लो है, जब बाउसी आया है वे यू के मुँह जो कहो वो करो, तो थो घर मोटू वड़े में क्या करवारू, तो मैं क्यों बीजू कोई करवारू नहीं, मुँह कोई बीजो मंत्र पाठ नहीं बनतो, जत्रु घर में वदारा रो समान है वो बारे गाड़ो। वड़े मने क्यों बाउसी हैं समान वोती काट जो मोरा ओइस वदारे रहा है वड़ो ने बेला बारे गाड़ो। क्या क्या भरा है, क्या क्या भरा, कभी लगता है घर नहीं है, गोडाउन में स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम ड्राइंग रूम की तरह सजाने का जैसा होता है, खुला रखते हैं। मटेरियल आपको लगता होगा इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, यह आसक्ति है ना, वही बड़ा पाप है। मम्मण का नाम सुना है, कहाँ पे रहता था, गुंदेचा में कि मैग्नम में, कहाँ रहता था, राजगुरु में। ओके, कब हुआ, 25 साल पहले कि 2500 साल पहले, किसके जमाने में हुआ, मोदी के जमाने में कि महावीर के जमाने में। महावीर के समय में जो मम्मण हुआ, मम्मण के लिए कहा जाता है कि उसने धोती पहनी थी, वो भी आपके जैसी बरमूडा धोती आती है, बरमूडा धोती
बस बरमूडा धोती। मुझे लगता है जो लोग बरमूडा पहन के सुबह निकलते हैं उनके लिए फैशन का नाम मम्मड़ फैशन रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में सबसे पहला नाम मम्मड़ का आता है जो इतना बरमूडा पहनता था, वो पैसे बचाने के लिए पहनता था। आप पैसे देके खरीद के पहनते, उसने क्या खाया आज जीवन, मैक्सिकन मंचूरियन कौन सी डिश खाई, साउथ इंडियन, तेल और चोला, न कभी झूठ बोला, न कभी बड़ी हत्या की, न कभी चोरी की, न कभी अब्रह्म का सेवन किया, तू भी मर करके सातवीं नरक में गया। Why? बोलो। मेरे एक रतन इसमें से कम नहीं होना चाहिए। रतन के दो बैग, एक और मगध सम्राट श्रेणिक था और इसके बैल का एक रतन की ताकत थी पूरा मगध को खरीद सके, तो दो बैल की जोड़ी रतन के बैल और मर करके कहां गया, सातवीं नरक, क्योंकि रौद्र ध्यान में था। कौन सा, शम रक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। इसका मायना क्या, बस मेरे बैल के रतन में से एक भी रतन कम ना हो, एक भी रतन कम ना हो, एक भी रतन, जैसे आप होते ना, मेरे पैसे में से एक भी रुपया कम ना हो, एक भी रुपया कम ना हो, एक भी रुपया। मैंने कपाट में जितना रखा है उसमें से कम ना हो, कम ना हो। या आसक्ति, आसक्ति उसका नाम है जो आसक्ति है मगर मटेरियल कम करो। धर्म के क्षेत्र में आपकी संपत्ति का इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक मटेरियल कम हुआ, समझे, ये समझेंगे कि महाराज साहब ने कपड़े का बोला, चलो घर जाकर पांच जोड़ी कपड़े निकाल दो, उससे कुछ नहीं होगा। पांच करोड़ रुपए है, 5 लाख तो निकाल, 5 के मटेरियल कम करो, समय हो चुका है। 3 पॉइंट वापस जब भी आना होगा तब करेंगे। भाई क्यों वापस, तू प्रॉमिस आपी दो तो पेंडिंग रखिए। चलो तुम्हें मैंने प्रॉमिस आपो कि तुम्हें आवश्य चौमासा में एक दिवस तुम्हें आवश्य व्याख्यान स्पेशल फॉर गुंडे चा कतरी बस भरी ना हो, बस भरी ना हो, गाड़ी भरी ना हो, टैक्सी भरी ना हो, फ्लाइट में आओ, चटने आओ, हमारे सांताक्रूज पाक्ती से वोटे लैंड कराओ थर प्लेन ठेको, तो मोरो उपास में बड्डो है हेलीपैड पर आओ बटे टेरेस माते। आज इतना रखो, सिर्फ सुनने की बात मत रखो, कुछ जीवन में उतारने की कोशिश करो। आज घर जाकर हर श्रोताओं को एक बात कहनी है, एक मटेरियल कम करो, एक भले फालतू का मोबाइल घर में पड़ा है निकालो बाहर, निकालो बाहर। इन लोगों से कहता हूं, फटी हुई साड़ी रखी है निकालो बाहर। आप सिर्फ साड़ी नहीं निकाल दो, तुम्हारी आसक्ति निकाल दो, आज फटी हुई निकाली कल अच्छी वाली निकालो। एक श्रीमंत के पास रोज एक गरीब आता, कुछ दो ना, कुछ दो ना, ए हट, दूसरे दिन कुछ दो ना, सेठ जी कुछ दे दो ना, अरे ना बोला तो भी वापस आ गया। तीसरे दिन फिर उसको लगा सेठ कुछ नहीं देंगे, सेठ एक काम करो ये धूल तो दो। सेठ ने कहा उसमें तेरा क्या होगा, सेठ मेरा भले कुछ ना हो,
लेकिन आज तुम धूल के लिए नीचे झुके तो कल पैसे के लिए भी झुक सकते हो। कुछ नहीं काम पाप का मटेरियल ये घर जाके एक कटासना और निकाल देंगे। धर्म का मटेरियल बढ़ाओ। कलवर्षी तप वाले तपस्वियों से कहता हूं, कल भगवान का जन्म कल्याणक है, कल की पूजा की जोड़ बिल्कुल न्यू ब्रांड होनी चाहिए। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। नहीं रूटीन वही कपड़ा जनती वो पसीनो ही लुसवार वही कपड़ा खाली पास हवा ला भेड़ा। एक शादी ब्याह में जाते हो खुद की नहीं किसी की तो भी कपड़े अच्छे होते हैं। और मेरे परमात्मा का कल कल्याण मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए? इनको तो अच्छा ही लगेगा, वो तो वाट राह देखते हैं कब मौका मिले। आज सीधा आ जाएगा, मिल आ जाएगा शाम को। बाउसिन क्यों तो थे आ भरी थी तो ना क्यों दे रिया हो? अब्बा देखो जय लाजरी मंजरी पानेरी किन्नरी रूप संगम रंगोली रूप कला दीप कला कला निकेतन आसो पालो। हमें तो पाड़ना आवे रिया है। अबार थी शॉपिंग चालू हुई क्यों? बस वो तीन दारा चार दारा पांच दारा पाड़ना रा जो प्रोग्राम है वन में एक दारो काल को हजम जो वन माइनो जो जो लाइया हो वटे एक ऐड कर जो वाह वाह। आठ दिन है बाबूजी। आठ सारे आठ दिन है वनों में तो तीन टाइम अलग अलग चौबीस चौबीस टाइम। हाँ ऐसा मैरिज में कहूँ भी घर में मैरिज आवे तो इज वेन सुबह रो ड्रेस कोड अलग कॉफी कलर ऐसे तो डेली ड्रेस कोड चल रहा है बाबूजी। हेलो हमें ओपरे मूल बात गुंडेचारी वाज में केरवा शेरी नहीं है। एक मटेरियल आज कम करो, खाली उंगली खड़ी करो जेंट्स। कुछ एक मटेरियल तुम्हारी एक कपड़े की जोड़ निकालो। बाउसी कटे राखो का कटे राखो कोई नहीं मने तो मन दे जी। मारा बड़े घने एड्रेस है सातर मित्र और फाटियोड़ी मत दे जी। तुम्हारा एक मटेरियल एक चप्पल की जोड़ कम करो, एक कपड़े की जोड़ कम करो। जो भी आपके पास है मुझे पता नहीं है लेकिन आपको लगे अब इसका यूज नहीं यूजलेस है निकालो बाहर, एक मटेरियल कम करो। मैंने अहमदाबाद में एक सेंटर खोला है उसमें मैं क्या करता हूँ बच्चों को संस्कार मिले इसलिए हम क्या करते हैं आप अलग करते हो पाठशाला में बच्चों को स्टेशनरी देते हो बराबर पाठशाला चलती है कितने बच्चे आते हैं बहुत आते हैं ये भी बहुत आए हैं ना। बहुत का बहुत की व्याख्या डेफिनेशन क्या वो बोलो। मेरे लिए 2000 बहुत होते हैं। ओके चलो अब मैं आपको ये कहता हूं कि कभी एक काम ये करने जैसा है बच्चों के पास बच्चों को स्टेशनरी मत दो। बच्चों को बोलो कि बेटा घर पे तेरे पास बहुत पेंसिल बहुत रबर बहुत शार्पनर होते हैं कि नहीं होते बहुत है देखो इनको भी पता है ये सब निकालो। फिर इन बच्चे को लेकर जाइए रिमांड होम या छोटे छोटे बच्चे अनाथ माँ बाप नहीं पढ़ाई करते हैं उनको स्टेशनरी कौन देगा? तुम्हारे हाथ से इन बच्चों को तुम्हारी स्टेशनरी दो। मैंने ये प्रयोग करा है आप नहीं मानोगे। मेरे पास 100 बच्चे थे 125 बच्चे थे 125 बच्चों को जब ये बात बताई हमारे सेंटर के अंदर एक रूम है आप ये दोनों रूम ज्वाइन करो इतनी बड़ी रूम और वो पूरी रूम भर गए इतना माल आया दफ्तर बैग प्लास्टिक स्कैन कंपास यस वाटर बैग इतना भरा था इतना भरा। माँ तो इतनी राजी हो गई ले जा सब निकाल बाहर यार। हमने बच्चों में संस्कार पढ़े। आज बच्चा फुटपट्टी देगा पेंसिल देगा पेन देगा कल वही बड़ा होकर पैसे देगा देगा कि नहीं देगा, देगा। उसे पता चलेगा हाँ हाँ मुझे तो 4 गुना मिलता है इन्हें कुछ नहीं मिलता।
उन बच्चों का मटेरियल छुड़वा सकते हैं, आपका मटेरियल आई बात मान लो ऐसा कुछ नहीं, ये हमें समय नहीं मिलता है। आज समय निकालो, आज प्रैक्टिकल प्रवचन करो, आज समय निकाल के आपके घर में से जो भी एक्स्ट्रा सामान बाहर निकालो, दे दो कुछ साधर्मिक को, दे दो कुछ गरीब को, दे दो कुछ अनाथ को, तो कम से कम आपकी इतनी आसक्ति कम होगी, तो उतने पाप कम होंगे, पाप कम होंगे आपकी परलोक की दुर्गति भी कम होगी। आइए आज यहाँ पर रुकता हूँ, 3 पॉइंट के सिर्फ नाम देता हूँ, पाप की प्लेस कम करो, पाप का टाइम पीरियड कम करो, और पाप का इंटरेस्ट एकदम गुजराती मारवाड़ी या संस्कृत की धार्मिक भाषा में कहूँ तो द्रव्य क्षेत्र आगे बोलो काल अने बस उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिए, मटेरियल प्लेस टाइम और इंटरेस्ट, ये 4 को कम करोगे तो यहाँ पर रह कर के भी आप अपनी सदगति को रिजर्व कर सकते हो, वो कीजिए। यही भावना के साथ आज का प्रवचन भले समाप्त होता है, कल बहुत बड़ा दिन, एक और वर्षी तक आदिनाथ की आराधना, दूसरी ओर नीचे भगवान ऋषभदेव का भव्य जिनबिंब, और तीसरी ओर परमात्मा के 2 कल्याणक, जन्म और दीक्षा, दोनों कल्याणक कल से ही वर्षी तप का प्रारंभ हुआ था परमात्मा का, माने आज से उन्होंने छठ चालू किया था, आप लोगों ने भी 1 साल पहले चालू किया, तो वैसे वर्षी तप के तपस्वी गुंडेचा के सारे श्रावकों के लिए कल जन्मोत्सव भगवान का स्नाक्रमोत्सव, हमारे गुरुदेव अक्षय बोधीश्वरेश्वर जी महाराज, सभी की एक मोनोपोली होती है ना, वैसे मेरे अक्षय के साथ लेना देना है, मेरे गुरु भी अक्षय और कल जो आया आशीर्वाद लेने वो भी अक्षय है, तो मैंने कहा कि आपके लिए हमारे साहेब जी को मास्टरी है, जन्मोत्सव स्नात्रमोत्सव परमात्मा की भक्ति का कोई भी कार्यक्रम आता है 2 घंटे तक वो ओतप्रोत हो जाते हैं, आप सबको भी भक्ति में जोड़ते हैं, तो सकरस्तव तो अभी हो चुका, तो जन्मोत्सव करेंगे। हमारे श्रावक जी ने कहा महाराज साहब आप इनकम के बारे में गुंडेचा में अब सोचने का नहीं, आप आए थे तब का गुंडेचा अलग था और आज का गुंडेचा अब सोचना पड़ेगा वापस आने के लिए, तो हम देखेंगे कल, हाँ देखते हैं हम किसमें कितना है, आओ कल पूरा गुंडेचा, सिर्फ वर्षी तप तपस्वी नहीं जो रोज परमात्मा की पूजा करने के दर्शन करने को आते हैं, पूरा गुंडेचा कल नीचे उतरना चाहिए, सुबह 6 बजे परमात्मा का जन्मोत्सव जो होवे मुझे शक्ति से सभी जीव करो, सूची रस ढड़ तेती हां बांधता तीर्थंकर नाम, आवा एक परमात्मा ना जन्म અને સાથે સાથે દીક્ષા સુધીની વાતો, સંગીતની સાથે ગીતની સાથે અભિષેકની સાથે આપણે ઉજવવાનું છે, માટે બધાએ પૂજાના વસ્ત્રમાં આવવાનું છે, કાલ તો પાછું બ્યાસનું છે એટલે બેસનું હોય એ દિવસે વ્યાખ્યાન ઓફ, બરાબર, ઉપવાસમાં જો 9:45 પછી ચાલુ થાય તો બ્યાસનામાં અત્યારે ચાલુ થાય, સર્વમંગલ થાય ત્યારે મંગલિક થાય, બરાબર, હવે ઘરે જાય રહ્યા હો તો હાલો ભાવશીરુ મંગલી ખોબડીને જાઓ, યુનિકર્નું જખો સુબે 2 ઘંટા ભક્તિ કરાવો, વણમીસ વ્યક્યોન બીજું આવે ઓથી આપણું બ્યાસનું બીજું બે, અને પરમે તો મારે જવાનું હે ભગવાન આદિનાથ, દેખો આપણું કતૃ પુણ્ય હે સાપુર માનસ મંદિરના મૂળ નાયક હું હે વટે મોન ઇસ્ત્રા મેં વર્ષી દરબાર પારના હે બાઉસી પેલા કેનું છે જેમ તો મેં વટે સમજી જાવ કોઈ નહીં, વટે ભગવાન આદિનાથે વટે એક નોણ બનાવી, નોણ મેં 4 ભગવાન બેરા વારા, વણમેથી 2 ભગવાનનો લાભ મને તલે ગામમાં મળ્યો, જટે અંજન શલાકા હોઈ વણમાયેલા એ આદિનાથ ભગવાન, અને વા આદિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠાનો લાભ મો ગોવાલિયા ટેન્ક સંગ્રહ એક શ્રાવકે લીધો, પરમે વન્ના ઘરે ભગવાન પધારે રહ્યા હે
तो अभाव सी ने इच्छा हेरी हुई, अत्रा श्रावक तपस्वी वर्षी तपरा, तो जो अभिषेक करे वह वन भगवान ऊपर करावो 21 इंचरा पंच धातुरा अत्रा बढ़िया एट्रैक्टिव परमात्मा अटियावे वन माते वनोरा ऊपर अपेस्तात्र महोत्सव करवारो है। तो हेंग पूजा रे कपड़ा में आवजियो ने बाउसी खूब मस्त भक्ति भी जी करावे तो सबों ने पधारवारे मुझे भक्ति पास रात।